कि सोहेल कोई पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन अब नहीं रह गया है, वहाँ धंधा चल रहा है। छात्रों से हजारों हजारों पैसे ऐठे जाते हैं, उनको बदले में कुछ नहीं मिलता। अभी फिर से फीस बढ़ाई गई, फीस में ना एक ही चीज़ काम करवाने के लिए चार चार बार आप फीस ले रहे हैं। आपने सुविधा कोई दे नहीं, आपके पास कोई टीचर है नहीं, आपके पास कोई क्लासरूम अपना है नहीं, इतना आप फीस दे रहे हो। पहले से भी लेते रहे, पहले से पैसे ऐठते रहे हैं आप तो। आपके पास कोई अपना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है नहीं, बच्चों का एग्जामिनेशन होगा दूसरी जगह होगा, वहाँ किसका पेपर छूट गया, किसका पेपर गायब हो गया, और बच्चे शिकायत करके पहुँचते हैं कि हमारे तो पूरे पेपर करके आए हो, क्या आपको मार्क्स नहीं दिया, आपने फेल किया हुआ है, एब्सेंट दिखाया हुआ है। पैसा ऐठने का और भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा ऐठने का ये लोग जरिया बन गया है। सोहेल कोई पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन अब नहीं रह गया है, वहाँ धंधा चल रहा है। छात्रों से हजारों हजारों पैसे ऐठे जाते हैं, उनको बदले में कुछ नहीं दिया जाता है। अभी फिर से फीस बढ़ाई गई है, फीस में उन्होंने जो लिस्ट निकाली है कि इस तरह की फीस, उसमें एक ही चीज़ काम करवाने के लिए चार चार बार आप फीस ले रहे हैं। आपने फीस बढ़ा दी, उसमें आपने सुविधा कोई दे नहीं, आपके पास कोई टीचर है नहीं, आपके पास कोई क्लासरूम अपना है नहीं, इतना आप फीस ले रहे हो। पहले से भी लेते रहे, पहले से पैसे ऐठते रहे हैं आप लोग। आपके पास कोई अपना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है नहीं, बच्चों का एग्जामिनेशन होगा दूसरी जगह होगा, वहाँ किसी का पेपर छूट गया, किसी का पेपर गायब हो गया, और बच्चे शिकायत देकर पहुँचते हैं कि हमारे तो पूरे पेपर करके आए, उसने आपको मार्क्स नहीं दिया, आपने फेल किया हुआ है, एब्सेंट दिखाया हुआ है। तो आप जानबूझ के छात्रों पे उनपे मजबूर कर देते कि वो इम्प्रूवमेंट और ये रीचेकिंग का फॉर्म भरे, ताकि आपको हर छात्र से हजार हजार दो दो हजार रुपये मिलता रहे और आपका झोली भरता रहे और आप करप्शन का मुनाफा कमाते रहे। यही एसवेल में चल रहा है, क्योंकि इनके पास कोई सुविधा है नहीं, तो जाहिर सी बात है समस्या आने पर बाकी ये समस्याएं आना लाजमी है, क्योंकि आपके पास इतने ना स्टाफ है, ना आपके पास इतना टीचर है, ना आपके पास इतना डिपार्टमेंट है। तो इस तरह की समस्याएं कि किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही, किसी का फीस जमा नहीं हुआ, किसी का स्टडी मटेरियल नहीं मिला, किसी का नाम में दिक्कत आ गया, ये सारी दिक्कतें चलती रहेंगी, क्योंकि आपने इसको सॉल्व करने के लिए पिछले जब से एसओएल चल रहा है आपने उसके लिए कोई समाधान, आपने कोई कदम उठाया ही नहीं है। और ये इसमें चल ही रहा है इसमें, क्योंकि इसमें पैसा ऐठने का और भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा ऐठने का ये लोग जरिया बन गया है इसमें, और कुछ नहीं। स्टडी मटेरियल ये जब भी फीस नहीं बढ़ा था उससे पहले 4500-4500 रुपये लिया जाता था स्टूडेंट से। स्टडी मटेरियल एग्जाम चार दिन पहले दिया जाता है, वो स्टडी मटेरियल 400 रुपये में मिल जाता है बाहर। अभी खुद इन्होंने जो ब्यौरा दिया है अपने फीस का पूरा, उसमें कहा, उसमें ब्यौरे में मेंशन है पूरा कि अगर किसी बच्चे को स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए तो वो 400 रुपये अपना ले सकता है। यानी कि आपका स्टडी मटेरियल 400 का था, तो फिर आप 4500 रुपये लेते थे तो भैया किस लिए लेते थे? क्लास तो आप देते नहीं है, सुविधा आप देते नहीं है। सुविधा तो आपकी ये है कि आपका जो पोर्टल खुलता है, पोर्टल में आपके जो थॉट ऑफ द डे एरर होता है, 50 तो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपने किए हुए हैं, आपके जो पोर्टल खुलता है उस पर स्टूडेंट को कुछ मालूम नहीं चलता, हिंदी में आप इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड लगाते नहीं है। तो जो गरीबों के बच्चे हैं एसओएल में पहुंच रहे ज़्यादातर, वो इंग्लिश में क्या पढ़ के समझ जाएंगे? आप उनसे उम्मीद भी करें कि वो पढ़ के समझ भी जाए, और उनकी आप गलती भी दिखा दें, आप ना नोटिफिकेशन देंगे, बच्चा कोई पूछने जाएगा उसको पीट के भगा देंगे आप कि चलो बाहर जाओ। बस धंधा चल रहा है एसओएल में, मतलब एसओएल का तो मैं उस कैटेगरी से ही बाहर निकाल दिया कि वो इंस्टीट्यूशन है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर, कभी स्टडी मटेरियल टाइम पे नहीं मिला, कभी रिजल्ट टाइम पे नहीं आया। और ये पूरा सुनिश्चित करते हैं कि कोई एसओएल का बच्चा ग्रेजुएशन वहाँ से कर रहा है तो वहाँ एमए भी ना कर पाए वहाँ से। वहाँ भी ज़्यादातर बच्चे जो एमए में एडमिशन लेते हैं रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस में, ज़्यादातर रेगुलर कॉलेज के बच्चों का वहाँ पे एडमिशन होता है। यानी एसओएल के बच्चे जो एसओएल से ग्रेजुएशन किए हैं उनका एसओएल में एमए में ही एडमिशन नहीं होता, ये तो शर्मनाक बात है ना। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, 5-5, 6-6 लाख वहाँ पे बच्चे हैं, भयंकर पैसा जमा है इनके पास, करते क्या है आप? सीधा करप्शन है, लूट चल रही है वहाँ पे।